हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग? प्यारे बच्चों, मैं नवनीत सर, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स। तो आज के लेक्चर में हम लोग फिजिक्स का जो वेक्टर है, वेक्टर चला, वेक्टर का बहुत ही कोर कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द 11th फिजिक्स। जो लोग 11th पढ़ रहे हैं, ठीक है, 11th में गए हैं और वो वेक्टर पढ़ रहे हैं, तो उनको रिजोल्यूशन तो आना ही चाहिए भाई, परफेक्ट एकदम। तो आज के लेक्चर में मैं आपको एकदम सिखा दूंगा कि रिजोल्यूशन कैसे करते हैं, दो वेक्टर को कैसे रिजोल्व करते हैं। पहले ए सीखते हैं, मतलब एक वेक्टर को टू डायमेंशनल प्लेन में कैसे रिजोल्व करते हैं, पहले वो सीखते हैं। फिर उसके बाद एक वेक्टर को 3D में कैसे रिजोल्व करेंगे उसके बाद सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर हम लोग। तो आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो समझिए सब लोग, आज मतलब रिजोल्यूशन आना चाहिए सभी को। ऐसा कोई ना हो कि लेक्चर देखने के बाद वो रिजोल्व नहीं कर पाता हो वेक्टर को। तो मान लीजिए कोई वेक्टर है ये, ठीक है, कंसीडर ए वेक्टर आर, ठीक है। चलिए एक वेक्टर आर कंसीडर कर लेते हैं। तो अगर मैं वेक्टर आर कंसीडर कर लेता हूँ, तो ये वेक्टर आर है मेरा, ठीक है। अब ये वेक्टर आर है एक्स वाई प्लेन में है, ठीक है ना। तो एक्स वाई प्लेन में है तो आर के दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा आर एक्स और एक होगा आर वाई। सबसे पहले ये लॉजिक सोचिए कि सबसे पहले जो रिजॉल्व किया होगा इस दुनिया में वो कैसे रिजॉल्व किया होगा, पहले इधर समझने की कोशिश कीजिए। नोट्स वगैरह बाद में कर लेना। चलो ट्रायंगल रूल जो पढ़ के आए थे, ट्रायंगल रूल के अपोजिट सोचो। अगर कोई वेक्टर है, ए नाम का वेक्टर है, तो जो ट्रायंगल रूल था वो ये कहता था, ट्रायंगल रूल प्यारे बच्चों, कि दो वेक्टर से कोई सिंगल वेक्टर बनता था। ट्रायंगल रूल लगा के क्या करते थे, हम दो वेक्टर को जोड़ते थे, सिंगल बनाते थे। अब यहाँ उल्टा सोचेंगे, ट्रायंगल रूल का उल्टा सोचेंगे, मतलब अगर वेक्टर ए है तो ट्रायंगल रूल का अपोजिट सोचो। ट्रायंगल रूल क्या था कि एक वेक्टर ऐसे था, एक वेक्टर ऐसे था, और इसको जब मिलाते थे तो ए ए था, ए बी था, और ये सी मिलता था, इनका सम ए प्लस बी, ठीक है। तो ये ए और बी क्या है, इसके कंपोनेंट है, वो एक्चुअली ए एंड बी कंपोनेंट है, उसे मिलके बना हुआ। उसी तरह से अगर मैं यहाँ ए वेक्टर ए है, इसका आप ट्रायंगल लॉ का अपोजिट सोचूं, तो मैं यहाँ एक अज्यूम कर लूँ, सपोज कर लूँ कि यहाँ वेक्टर ए एक्स होगा, ठीक है, और ये वेक्टर यहाँ अज्यूम कर लूँ ए वाई होगा। तो ये जो वेक्टर है, ट्रायंगल रूल आप लगा दो, मान लो इमेजिंग करो कि ये जो वेक्टर ए है, यहाँ एक अज्यूम कर लूँ वेक्टर ए एक्स, और इधर एज्यूम कर लूँ ए वाई, ठीक है। तो ये जो वेक्टर है ए एक्स प्लस ए वाई के सम से मिलके बना होगा, ए एक्स और ए वाई के सम से मिलके बना होगा, इसको मैं वेक्टर ए बोल देता हूँ। और ए एक्स और ए वाई को ही ए का कंपोनेंट बोलते हैं। कंपोनेंट मतलब होता है पीस, कंपोनेंट मतलब होता है कंपोनेंट। कौन से हैं, ए एक्स एंड ए वाई, ए एक्स और ए वाई क्या है, कॉम्पोनेंट है। तो एक वेक्टर के प्यारे बच्चों कितने कॉम्पोनेंट हो सकते हैं, हाउ मेनी कॉम्पोनेंट पॉसिबल फॉर ए वेक्टर। तो एक वेक्टर के इनफाइनाइट कॉम्पोनेंट हो सकते हैं, आई बात समझ में पूरी बात। तो एक वेक्टर के इनफाइनाइट कॉम्पोनेंट हो सकते हैं, पर वो हमारे लिए यूजलेस होते हैं। वही दो वेक्टर जो आपस में, वही दो कॉम्पोनेंट जो आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, वही यूजफुल होते हैं, और उनको बोलते हैं रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट। और वही तीन वेक्टर जो आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, उनको भी रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट इन 3D बोलते हैं, और ये रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट इन 2D। आई बात समझ में, इनफाइनाइट कंपोनेंट होता है, पर 2D और 3D वाले जो आपस में परपेंडिकुलर होते हैं वो हमारे लिए यूजफुल होते हैं, और उन्हीं को हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए अज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे कि हमारे पास ये एक वेक्टर r है, तो rx का एक अगर यहाँ पर अज्यूम कर लोगे ये वाला, ठीक है, दूसरे कलर से लिखता हूँ भाई, यहाँ पे ये, तो ये rx अज्यूम कर लो, ट्राइंगल रूल लगा दो, और इधर आर वाई एज्यूम कर लो, आर वाई, ठीक है, इधर एक मिनट, क्या हो रहा है यार, तो इधर उल्टा लिख दिया हूं मैं, इधर आर वाई एज्यूम कर लो, इधर आर एक्स एज्यूम कर लो, तो ये वेक्टर इन दोनों का सम होगा। इसी को बोलते हैं हम RX और ट्राइंगल रूल, RX और RY को बोलते हैं कॉम्पोनेंट। इसको IJK में भी लिखा जा सकता है,
भाई ये आर एक्स है, ठीक है, और ये आर वाई है, आर वाई इसको ऊपर शिफ्ट कर सकता हूँ ना, तो आई आई और जे में भी लिखा जा सकता है, इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब स्केलर फॉर्म में, ये तो आपको वेक्टर में समझ में आ गया कि आर एक्स और आर वाई, आर का जेड एक्सिस में कितना कॉम्पोनेंट है, जीरो है ही नहीं। आर के दो कॉम्पोनेंट है, बेसिकली आर के क्या है, तीन कॉम्पोनेंट है, जो कि जेड एक्सिस में जीरो है और एक्स एक्सिस में आर एक्स है और वाई एक्सिस में आर वाई है, ठीक है, तो और जेड एक्सिस में आर का कॉम्पोनेंट जीरो है। तो चलो जेड एक्सिस में अगर आर का कॉम्पोनेंट जीरो है तो अब इसको स्केलर फॉर्म में करते हैं। स्केलर फॉर्म में क्या मतलब है, मेरा मतलब स्केलर फॉर्म में मेरा मतलब ये है कि मैं आपको समझाता हूँ ढंग से। स्केलर फॉर्म में ये है कि चलिए अब यहाँ पर हमने एज्यूम कर लिया कि यहाँ से स्केलर फॉर्म में ये थी ये वेक्टर आर है और ये थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा आर कॉस थीटा और ये हो जाएगा आर साइन थीटा, मैग्नीट्यूड में याद करो साइन थीटा कॉस थीटा लगा दो ना भाई, साइन थीटा कॉस थीटा लगा दो यहाँ से, तो साइन थीटा कॉस थीटा लगा दोगे तो ये तुम्हें मिल जाने वाला है, ठीक है, आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा। तो जो आर कॉस थीटा, इसका मतलब ये हुआ कि जो वाई एक्सिस वाला कॉम्पोनेंट है वो आर साइन थीटा के बराबर होता है स्केलर फॉर्म में, और जो एक्स एक्सिस वाला कॉम्पोनेंट है वो आर कॉस थीटा के बराबर होता है। ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। तो जो वाई एक्सिस वाला आर साइन थीटा, एक्स एक्सिस वाला आर कॉस थीटा, एक बार फिर से इसको इलेबरेट करता हूं मैं। देखो अगर कोई वेक्टर है, इस आर साइन थीटा को मैं यहां शिफ्ट कर सकता हूं ना भाई, तो ऐसे समझो अगर कोई वेक्टर है, ये वाला जो वेक्टर है ये इसके दो कॉम्पोनेंट के परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट एक्स एक्सिस में और एक वाई एक्सिस में, पैरेललोग्राम लॉ फॉलो होना चाहिए। तो ये वेक्टर आर है तो ये वाला जो वाई वाला आ जाएगा वो आर साइन थीटा आएगा और जो एक्स वाला आएगा वो आर कॉस थीटा आएगा, ठीक है, आए समझ में। और ये हमेशा याद रखना आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा हमेशा आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। अब ये जो वेक्टर ऐसे था वो ऐसे खुला, समझना इसको, ऐसे खुला और ऐसे ऊपर, तो इसकी रिजोल्यूशन के बाद, पीसेस करने के बाद, टुकड़े करने के बाद ये वेक्टर खत्म हो गया। ये वाला जो वेक्टर है, एक्चुअली दिस वेक्टर इज फिनिश नाउ, ये जो वेक्टर है वो खत्म हो चुका है, ये वेक्टर खत्म हो चुका, अब ये सिर्फ ऐसे बच गया, ऐसे बच गया, ठीक है, ये वाला जो वेक्टर है वो खत्म हो चुका। तो आर कॉस थीटा आर साइन थीटा, तो ये बात हमें याद रखना है कि टू डायमेंशनल एक प्लेन में दो एक वेक्टर हो तो उसके दो कंपोनेंट होंगे वो, और वो जो है एक आर कॉस थीटा होगा, एक आर साइन थीटा होगा, और वो उसी प्लेन में होंगे क्योंकि प्लेनर होते हैं। तो इस बात को और अच्छे से हम लोग समझते हैं, जैसे मान लो ये वेक्टर है, यहाँ पर ये वेक्टर है, अगर ये थीटा डिग्री पर है, समझो इसको, तो अगर ये थीटा डिग्री पर है, ये एंगल थीटा डिग्री पर है, तो अगर ये वेक्टर पी है तो अब इसके दो कॉम्पोनेंट होगा, एक होगा पी कॉस थीटा, ठीक है, और एक होगा P साइन थीटा, ठीक है, एक होगा P साइन थीटा और एक होगा P कॉस थीटा। कैसे भाई, देखो फिर से मेरी बातें बड़े ध्यान से सुनो, रिजोल्यूशन सबको आना चाहिए। देखो अगर यहाँ पर कोई वेक्टर है, मेरे पास वेक्टर है, ये वेक्टर M नाम का वेक्टर है, ठीक है, अब मुझे इसको क्या करना है, रिजॉल्व करना, एक्स और वाई एक्सिस में, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में रिजॉल्व करना। तो सबसे बड़ी बात, यहाँ पर पॉइंट, इस पॉइंट, इसके टेल से कोई ना कोई लाइन होगी जो थीटा डिग्री बनाएगी, इतना तो रहना रहेगा, तभी तो रिजॉल्व होगा भाई, आर कॉस थीटा आर साइन थीटा में थीटा तो रहना चाहिए ना। यहाँ से पॉइंट ओ से कितनी लाइनें पास हो सकती हैं, पॉइंट ओ से इनफाइनाइट लाइन पास हो सकती है। तो चलिए इनफाइनाइट लाइन में से कोई एक लाइन ड्रा कर सकता हूँ, ये लाइन बना दिए। अब ये जो वेक्टर है इससे थीटा डिग्री बनाएगा ही बनाएगा, तभी तो रिजोल्यूशन पॉसिबल होगा। अगर कभी कभी थीटा दिया नहीं रहता, थीटा निकालते हैं कहीं दूसरे सोर्सेस से थीटा आएगा, ठीक है, तो थीटा होना चाहिए हम, अब रिजोल्यूशन होगा। अब जिससे एंगल बनाएगा, समझना, जिससे एंगल बनाएगा वो होगा कॉस थीटा, ये इधर जाएगा कॉस थीटा, ठीक है, एम कॉस थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक्स एक्सिस वाला, और एम कॉस थीटा के परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर आ जाएगा एम साइन
ठीक ठाक आई बात समझ में, और पैरेललोग्राम लॉ फॉलो होना चाहिए एक दूसरे से, थोड़ा सा ये इतना ज़्यादा नहीं आना चाहिए, यहाँ तक आएगा, ये यहाँ तक आएगा, ठीक है। तो आई होप कि ये क्लियर हुआ होगा। तो मैं आपको एक और रिजोल्व करके दिखाता हूँ। चलो जैसे मान लो एक ब्लॉक है, एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक पे आपको इधर 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है हॉरिजेंटल से। अब 10 न्यूटन का फोर्स लगना, अब इसको रिजॉल्व करना, तो रिजोल्यूशन के सबसे बड़ी बात ये होनी चाहिए ना, एंगल पता होना चाहिए ना। तो मान लो ये हॉरिजेंटल से 30 डिग्री पर लग रहा है। अब इसके एक्स एंड वाई कॉम्पोनेंट करो, इतना तो होना चाहिए, एक लाइन होना चाहिए जिससे वेक्टर एंगल बनाएगा। अब देखो, अब जब ये लाइन पता चल गया, अब इसके दो कॉम्पोनेंट होंगे, एक जो कॉम्पोनेंट है पैरेललोग्राम लॉ से, ये यहाँ से इधर तक आएगा, जो होगा 10 cos 30। 10 sin 30 नहीं हो सकता भाई, ये 10 cos 30 इज इक्वल टू 5√3 न्यूटन, ठीक है ना, इतना न्यूटन फोर्स इधर आएगा। चलो एक कॉम्पोनेंट आएगा ऊपर आएगा, ठीक है, ये इधर आएगा, जो होगा 5 न्यूटन, 10 sin 30, 10 sin 30 इज इक्वल टू 5 न्यूटन। तो इसके जो कॉम्पोनेंट है, जो 10 न्यूटन के कॉम्पोनेंट, अब इनको स्क्वायर करके जोड़ोगे, ठीक है भाई, RxR की जो वैल्यू है वो RxSquare+RY के बराबर होगा ना भाई, ठीक है, उल्टा तोड़े थे तो 5√3 का स्क्वायर करोगे और 5 का स्क्वायर करोगे तो 10 क्या आ जाएगा। तो ये जो चीज़ है रिजोल्यूशन, वो कैसे हो रही है। अब जैसे मान लो यहाँ एक वेक्टर है, इस प्लेन में एक वेक्टर है, तो ये किसी वेक्टर से थीटा डिग्री पे है। तो अब इसका इधर वाला जो कॉम्पोनेंट है, जो इधर आएगा, वो आ जाएगा ए है मान लो वेक्टर, यह आ जाएगा ए कॉस थीटा, और इधर वाला जो कॉम्पोनेंट आ जाएगा वो आ जाएगा ए साइन थीटा। इस तरह से वेक्टर को हम रिजॉल्व करते हैं। तो रिजोल्यूशन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब इसके कुछ एनिमेशन देखते हैं, जब आपको अच्छे से थोड़ा क्लियर हो जाए इस 2D एनिमेशन के विजुअलाइजेशन से, इसको आप और अच्छे से विजुअलाइज कर सकते हो एनिमेशन के हेल्प से, ठीक है। अब देखो इसमें कैसे वेक्टर रिजॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। ये जो वेक्टर है, अल्टीमेटली देखो आप इसमें, देखो एक वेक्टर ए है, रिजोल्यूशन के बाद ये क्या होगा, फिनिश हो जाएगा। इसके बेसिकली दो कॉम्पोनेंट बन गए, ठीक है। देखो पैरेललोग्राम लॉ फॉलो हो रहा है, ये रिजोल्यूशन के बाद क्या होगा, खत्म हो गया। अब देखो ये एक वेक्टर ये है, अब ये दो पार्ट में रिजॉल्व हो गया, डिपेंडिंग अपॉन थीटा कॉस, कौन सा साइन थीटा है वो यहाँ से एंगल डिसाइड करेगा, ठीक है। जैसे मान लो इसको, अगर मैं इसको यहाँ से मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, तो ये एंगल अगर थीटा है, ठीक है, एक मिनट यार, ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल अगर थीटा है, इसको आप विजुलाइज करो कि कैसे इसको कर सकते हो आप। इस तरह से उस प्लेन में रिजोल्यूशन होता है, और ये हमारे लिए समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ से जो वेक्टर है ये, वो दो कंपोनेंट हो गया, डिपेंडिंग अपॉन कौन हॉरिजेंटल था, कौन वर्टिकल। अब देखिए वेक्टर ये है, ये देखिए किस तरह से दो कंपोनेंट हो रहा है, और कंपोनेंट होने के बाद ये कैसे ख़त्म हो जा रहा है, देख रहे हैं। उसी तरह से कण को बहुत बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, क्योंकि बेटा रिजोल्यूशन जो है बहुत मेजर रोल प्ले करता है, ठीक है। हमें रिजॉल्व करने के लिए किसी वेक्टर के आर साइन थीटा आर कॉस थीटा निकालने के लिए बेसिकली हमें एक एंगल पता होना चाहिए, और उस एंगल से वो लाइन पता होना चाहिए। आर कॉस थीटा आर साइन थीटा हमेशा परपेंडिकुलर होंगे, जिससे थीटा बनाएगा उधर आर कॉस थीटा जाएगा। चलो तो ये आपको फील आ गया होगा बेहतर तरीके से। अब इसके एप्लीकेशन, ठीक है, इसके बहुत सारे एप्लीकेशन हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर रिजोल्यूशन, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर रिजोल्यूशन। चलो एप्लीकेशन भरे पड़े हैं फिजिक्स में। सबसे बेस्ट तरीका है एप्लीकेशन को समझने के लिए, सबसे अच्छा तरीका वॉकिंग ऑफ मैन। वॉकिंग ऑफ मैन क्या होता है, आदमी हम लोग चलते कैसे हैं। देखो एक आदमी है और ये हॉरिजेंटल सरफेस पे खड़ा है, तो अगर ये हॉरिजेंटल सरफेस पे खड़ा है, अगर ये खड़ा है तो ये खड़ा ही ऐसे रह जाएगा इनफाइनाइट टाइम तक। ये खड़ा इसलिए है क्योंकि अभी चल नहीं रहा, स्टैंडिंग पोजीशन है।
क्योंकि इसका जो वेट है mg, जो अर्थ लगा रही है और जो सरफेस नॉर्मल लगा रहा है, अभी ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस किए हुए हैं, तो इस तरह से इनफाइनाइट टाइम तक ऐसे रह जाएगा अगर एक कोशिश नहीं करेगा चलने को। तो चलो अब चलते कैसे, हम लोग हमेशा याद रखो चलने का जो कंडीशन होता है, ठीक है, वो एक पैर हमेशा हवा में रहेगा। रनिंग या वॉकिंग के केस में एक पैर हमेशा हवा में रहेगा और एक पैर ग्राउंड के कॉन्टैक्ट में ही रहेगा। अगर दोनों एक साथ हवा में आ गए तो वो उड़ने लगेगा, दोनों एक साथ ग्राउंड को टच कर गए, ठीक है, तो वो स्लीपिंग या स्लाइडिंग का कंडीशन हो जाएगा। वॉकिंग या रनिंग के केस में एक पैर हमेशा हवा में रहेगा और एक पैर का यूज करते हैं हम। चलो तो एक पैर से हम करते क्या है कि ग्राउंड को धक्का दे देते हैं, ग्राउंड को पुश कर देते हैं, एक्शन, ये हमने ग्राउंड को पुश कर दिया, एक्शन नाम का फोर्स लगा दिया। तो ग्राउंड क्या किया, आदमी पे फोर्स लगा दिया, रिएक्शन। अब देखो आदमी पे फोर्स लगने लगा ना भाई, अगर ये आदमी इधर जा रहा तो इधर कोई फोर्स लग रहा होगा ना, कोई धक्का लगा रहा होगा, कोई फोर्स अप्लाई कर रहा होगा, तभी तो ये जा रहा है। तो ये जो आर नाम का फोर्स है, आर नाम का फोर्स आदमी पे लगने, अब आर के दो कॉम्पोनेंट हो गए। अब भाई देखो सिंपल सी बात है, अगर फोर्स ऐसे लग रहा है आदमी पे तो इसको तो हवा में उड़ जाना चाहिए था ना, ऐसे चला जाना चाहिए था, पर ऐसा तो होता नहीं है ना, तो ये हॉरिजॉन्टल से मान लो थीटा डिग्री पर फोर्स लगने लगा। चलो इसको और इधर समझाता हूँ बेहतर तरीके से। चलो हम चलते कैसे हैं, देखो जब हम चलेंगे तो हमारा एक पैर हवा में रहेगा, ठीक है, और एक पैर ग्राउंड के कॉन्टैक्ट में। ये जो फोर्स है आर, वो आदमी पर लगने लगा, जो कि हॉरिजॉन्टल से मान लो थीटा डिग्री पर लग रहा है। तो आर के दो कंपोनेंट हो गए, एक हो गया आर कॉस थीटा, ठीक है, समझ रहे ना, ये कॉस आएगा, और एक हो जाएगा आर साइन थीटा, और एक इधर वेट, आदमी का वेट एम जी लग गया, और ये वेट एम जी लग गया। तो आर साइन थीटा क्या करेगा, वेट को बैलेंस कर लेगा, ठीक है, और ये भी इधर जो ऊपर वाले फोर्स लग रहे हैं नॉर्मल भी लग रहा है, ठीक है, जो कि सरफेस लगा रहा है, नॉर्मल और आर साइन थीटा वेट को बैलेंस कर लेंगे, और आर साइन थीटा उसको आगे बढ़ाने में हेल्प करेगा, ठीक है। इधर फ्रिक्शन भी लगता है, आगे लगता है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है, फ्रिक्शन का होना जरूरी है, अदरवाइज वो चल नहीं पाएगा। तो चलने का क्या कंडीशन है, जो आर कॉस थीटा है वो उसको चलने में हेल्प करेगा, जो अपेरेंट वेट है वो आर साइन थीटा की वजह से नॉर्मल अगर ऊपर लगेगा तो नॉर्मल का अगर इक्वेशन, नॉर्मल प्लस वर्टिकल में मोशन नहीं होगा, नॉर्मल प्लस आर साइन थीटा, नॉर्मल प्लस आर साइन थीटा इज इक्वल टू वेट एम जी, तो नॉर्मल की वैल्यू इज इक्वल टू एम जी माइनस आर साइन थीटा। और जब हम नहीं चल रहे थे, जब हम स्टैंडिंग पोजिशन में थे, तो नॉर्मल एम जी के बराबर था, इसका मतलब ये हुआ थोड़ा सा मूव करने से जो अर्थ हमारे ऊपर फोर्स लगाई हल्का सा ऊपर, वो हमारा स्लाइटली अपेरेंट वेट डिक्रीज कर दिया, मतलब चलते वक्त हमारी हल्की सी वेट डिक्रीज भी हो जाती है। हाँ भाई कन्फ्यूज नहीं होना कि आर साइन थीटा की वजह से, और आर कॉस थीटा उसका एक कॉम्पोनेंट, जो अर्थ लगाई, जो फोर्स अर्थ लगाई उसका एक कॉम्पोनेंट आगे बढ़ाएगा, एक कंपोनेंट हमारे वेट को बैलेंस करने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, आप इसको एनिमेशन के हेल्प से समझ सकते हो बहुत बेहतर तरीके से, ठीक है ना, आप इसको एनिमेशन के हेल्प से मैं आपको समझाऊं। चलो देखो जब अगर ये आदमी खड़ा है तो ये खड़ा ही रह जाए, देखो जब चलेगा चलने की केस में देखो एक पैर हमेशा हवा में रहेगा, ठीक है, दोनों एक साथ रहेंगे तो स्लाइडिंग हो जाएगा, ठीक है, और दोनों हवा में आ जाएंगे तो ये आदमी स्पाइडरमैन बन जाएगा, उड़ने लगेगा, ठीक है। तो अगर ये एक मिनट भाई, ये चलने वॉकिंग का कंडीशन ये है कि अल्टीमेटली इसको थोड़ा सा मैं वेक्टर के हेल्प से समझाता हूँ आपको। अब देखो अब ये चल रहा है, ठीक है, तो ये चल रहा, तो ये चल क्यों रहा, क्योंकि समझ रहे ना, अब देखो जो हवा में है इस पर कोई रिएक्शन वक्शन फोर्स नहीं लग रहा है, अगर अब ये स्टैंडिंग पोजीशन में, क्योंकि इसका वेट एम जी को बैलेंस किया है, आगे जा रहा आदमी, आगे जा रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि जो हम लोग कॉम्पोनेंट बनाए थे, ये वाला जो कॉम्पोनेंट बनाए थे आर कॉस थीटा, ठीक है, हॉरिजेंटल से, यही इसको आगे बढ़ा रहा है, और आर साइन थीटा इसको वेट को बैलेंस करने में हेल्प कर रहा है, ठीक है। तो क्यों रिजोल्यूशन का क्यों एग्जांपल है, क्योंकि यार देखो अगर ये रिजोल्यूशन का एग्जांपल नहीं होता तो ऐसे फोर्स अर्थ लगा रही है हवा में ऐसे उड़ जाता, लेकिन रिजोल्व करना पड़ेगा तब तो हमें पता चलेगा कि ये कौन सा फोर्स आगे लगा रहा है जिससे आगे जा रहा है। बहुत मेहनत की है भाई इस पर, आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। चलो और भी एग्जाम्पल है रिजोल्यूशन के,
ये पुशिंग या पुलिंग, इसमें से कौन सा इजियर होता है, किसी किसी रोलर को, किसी कार्ट को पुश करना और पुल करना कौन सा इजियर होता है, उसको आप समझो। ठीक है, तो एक होता है पुश करना, एक होता है पुल करना। तो चलो पहले दोनों को समझते हैं। एक व्हील है, यहाँ व्हील बनाते हैं, दो व्हील बनाते हैं, एक को पुश करते हैं ग्राउंड पे। चलो तो एक को पुश करते हैं, एक पुश, पुश मतलब होता है धक्का देना, ठीक है ना, पुश मतलब होता है धक्का देना, पुल मतलब खींचना, इसको बोलते हैं पुश। ठीक है ना, पुश मतलब ऐसे फोर्स लग रहा है, हॉरिजेंटल से, मान लो हॉरिजेंटल से थीटा डिग्री पे लग रहा है पुश। पुल मतलब हम इसको खींच रहे हैं, ऐसे फोर्स लगा के ऐसे खींच रहे हैं, ये भी मान लो हॉरिजेंटल से थीटा डिग्री पे। ठीक है, तो ये हो गया पुलिंग, ये हो गया पुशिंग। तो पुल अब देखो, इसका खुद का नॉर्मल ऊपर लग रहा है और mg नीचे लग रही है, एक अलग से हमने फोर्स लगा दिया ना, एक अलग से हमने एक्स्ट्रा फोर्स लगा दिया। तो एक अलग से हमने एक्स्ट्रा फोर्स लगा दिया, तो चलो अगर एक अलग से फोर्स लगा दिए, अब f के दो कंपोनेंट कर दिए, करना ही पड़ेगा भाई। अगर हमने इस कार्ट पे, इस व्हील पे ऐसे फोर्स लगाया था तो ऐसे चले जाना चाहिए था ना, पर ऐसा हुआ नहीं भाई, ये आगे जा रहा है। आगे जा रहा, क्यों आगे जा रहा, क्योंकि f का दो कंपोनेंट हो गया, f cos थीटा, और ये इधर आ जाएगा f का एक कंपोनेंट f sin थीटा। समझना इसको, ऐसे f था, ठीक है, f के दो कंपोनेंट हो गए ऐसे, ठीक है, af ऐसे था, ये हो गया f cos थीटा, ठीक है, और ये आ जाएगा f sin थीटा। या नहीं तो इसको आगे लेके जाके रिजॉल्व करते, देखो f ऐसे लगा ना, तो ये f ऐसे लग रहा था हॉरिजेंटल से थीटा डिग्री पे, ये थीटा था, तो f के दो कंपोनेंट हो गए, एक हो गया f cos थीटा और ये आ जाएगा f sin थीटा। ठीक है, f sin थीटा, ठीक है, अब ये, अब f sin थीटा, अब यहाँ भी ऐसे रिजोल्व कर सकते हो, खोल सकते हो, और इसको आगे ले जाके भी रिजोल्व कर सकते हो, इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो f cos थीटा है, f cos थीटा वो तो हॉरिजेंटल लग रहा है, और जो f sin थीटा वो वर्टिकल लग रहा है। तो वर्टिकल में कितने फोर्स लग रहे हैं, तो वर्टिकल में दो फोर्स लग रहे हैं, एक mg और एक f sin थीटा, और ये हो गया नॉर्मल। तो नॉर्मल ऊपर लग रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि नॉर्मल mg प्लस f sin थीटा के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि भाई वर्टिकल में कोई मोशन ही नहीं हो रहा, तो जितने फोर्स ऊपर लग रहे हैं, जितने फोर्स नीचे लग रहे हैं, वो एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। mg अर्थ लगा रही है, f sin थीटा जो हम लगाए उसका कंपोनेंट है, नॉर्मल है सरफेस लगा रहा है। चलो तो इस समय जो है नॉर्मल वेट की वैल्यू बढ़ गई, अपेरेंट वेट बढ़ गई भाई, नॉर्मल mg प्लस f sin थीटा। तो और f cos थीटा, f cos थीटा क्या करेगा, जो f cos थीटा उसको आगे इधर मोशन, इधर डायरेक्शन मोशन दे देगा। ठीक है, तो अपेरेंट वेट बढ़ गया। अब इस केस में देखो, इस केस में क्या हो गया, इस केस में जो हम फोर्स लगाए हैं, इस केस में जो फोर्स लगाए हैं उसके दो कंपोनेंट करो, ये आ जाएगा f cos थीटा और ये आ जाएगा f sin थीटा। ठीक है, और नॉर्मल ऊपर चला गया जो कि ग्राउंड लगाया था, अर्थ लगाई थी mg, वो नीचे चले गए। अब वर्टिकल में मोशन नहीं हो रहा है, तो f sin थीटा प्लस नॉर्मल बराबर होगा किसके, mg के, मतलब नॉर्मल की वैल्यू जो होती है वो mg माइनस f sin थीटा। हमेशा याद रखना, नॉर्मल क्या बताता बेटा, नॉर्मल बताता है वेट, नॉर्मल बताता है वेट। तो ये अब जो यहाँ पर जो साइन थीटा है वो वेट कम किया, वहाँ पे जो साइन थीटा था वो वेट बढ़ाया, और f cos थीटा उसको आगे बढ़ाने में हेल्प हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या था, ये था पुश करना, एक ये था पुल करना। तो पुल करना ज़्यादा ईजी है, पुलिंग इज ये पुल करना, पुल मतलब होता है खींचना, पुल मतलब खींचना। तो पुलिंग ज़्यादा ईजी है इज कम्पेयर टू पुशिंग, क्यों, क्योंकि पुशिंग के केस में जो हम फोर्स लगा रहे हैं उसका एक कंपोनेंट नीचे जा रहा है जो वेट बढ़ा रहा है, तो दिक्कत होगी ना भाई। पुलिंग के केस में जब हम ऐसे पुल कर रहे हैं, ठीक है, तो एक कंपोनेंट हमारा वेट, अपेरेंट वेट कम कर रहा है, तो आसान होगा ना ऑब्जेक्ट को खींचना। तो पुलिंग इज ईजियर देन पुशिंग, तो यही चीज यहाँ, इट इज ईजियर टू पुल ए रोलर ऑन देन पुश। आप इसको यहाँ से पढ़ सकते हो, ठीक है, आप यहाँ से पढ़ सकते हो थियोरेटिकली, और इसको नोट भी कर सकते हो, मैं इसको आपको एनिमेशन में भी दिखा दूंगा। चलो इसको आप एनिमेशन से भी देख सकते हो कि ये क्या है और कैसे, देखो ये जो, आप इसको देखो, ये क्या कर रहा है, ये
पुश कर रहा है, ठीक है ना, पुश कर रहा है, धक्का दे रहा है, तो इट फीलिंग मच मोर डिफिकल्ट, ये पुश कर रहा है, ऐसे धक्का दे रहा है, ठीक है, ठीक है, तो पुश करना ज़्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि जब ऐसे हम करेंगे और पुलिंग, जब ऐसे खींच रहा है, देखो जब ऐसे खींच रहा है तो इसका एक कॉम्पोनेंट इधर आ गया और एक कॉम्पोनेंट वेट कम कर दिया, तो इस दिस इज पुलिंग इज ईजियर देन पुशिंग। चलो इस केस में ये भी एक अच्छा सा एग्जाम्पल है, और ये इसको आप समझ सकते हो कि इट्स ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, ठीक है, कि कोई ब्लॉक अगर स्मूथ सरफेस पे रखोगे तो वो स्लाइड कर जाएगा, इट इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। थर्ड एग्जाम्पल एक और समझा देता हूँ, थर्ड एग्जाम्पल, चलो ये जो ब्लॉक है, अब देखो कोई ब्लॉक है इंक्लाइंड प्लेन पे, जैसे ही इंक्लाइंड प्लेन पे स्मूथ सरफेस पे कोई ब्लॉक रखोगे, थीटा डिग्री है, ये स्मूथ सरफेस पे जैसे ही ब्लॉक रखोगे वो वर्टिकली डाउनवर्ड मूव करने लगेगा, ठीक है, आ रहा समझ में, तो भाई क्यों आ रहा, कौन इसको खींच रहा, कौन ला रहा, तो दिस इज द वेरी गुड एग्जांपल ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। भरे पड़े हैं फिजिक्स में, रिजोल्यूशन भरा पड़ा है, तो चलो सबसे पहले हम देखते हैं इस पे फोर्स कौन कौन से लग रहे हैं, तो इस पे जो फोर्स लग रहे हैं वो दो फोर्स लग रहे हैं प्यारे बच्चों, एक लग रहा है नॉर्मल ऊपर, ठीक है, क्लियर है, और एक लग रही है वर्टिकली डाउनवर्ड mg, ये दो फोर्स लग रहा है, नॉर्मल ये सरफेस लगा रहा है, mg अर्थ लगा रही है। अब देखो मुझे mg के कंपोनेंट करने पड़ेंगे, तो mg के अगर कंपोनेंट करने पड़ेंगे तो समझो ये थीटा है, तो ये कितना है 90 है, क्योंकि वर्टिकल वाली लाइन है, तो ये कितना हो गया 90 माइनस थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा है, तो ये एंगल कितना हो गया थीटा, ठीक है, तो mg के दो कंपोनेंट हो गए, एक हो गया mg cos थीटा, ठीक है, और एक आ गया mg sin थीटा, ठीक है, देखो कैसे थीटा दिया नहीं था, हम निकालेंगे, तो ये ब्लॉक नीचे इसलिए आ रहा है क्योंकि जो इसका वेट है खुद इसको ला रहा है, स्मूथ सरफेस है, जैसे ही स्मूथ सरफेस पे ब्लॉक रखोगे वो नीचे आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसका नीचे जो वेट है mg sin थीटा जो वेट है उसको नीचे ला रहा है, और जो नॉर्मल है वो mg cos थीटा को बैलेंस कर रहा है, इसके कंपोनेंट mg cos थीटा को बैलेंस कर रहा, ये mg थी, ठीक है ना, और ये अगर थीटा इंक्लाइंड प्लेन थीटा है तो ये भी थीटा होता, हमने प्रूव किया यहाँ पे, ठीक है, ज्योमेट्री से प्रूव कर सकते हैं उसको, क्योंकि ये 90 है, ठीक है ना, ये पूरा 90 है। तो आई होप कि भरे पड़े एग्जाम्पल रिजोल्यूशन के, तो आई होप कि रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन 2D प्लेन या प्लेन में, एक प्लेन में वेक्टर को कैसे रिजॉल्व करते हैं वो आप सीखे हो, इसके एप्लीकेशन सीखे हो, इसके बहुत सारे यूजेस हैं जो हम फिजिक्स में आगे यूज करेंगे। तो प्यारे बच्चों आप अपना बहुत सारा ख्याल रखो और बहुत अच्छे से पढ़ाई करो, नीट और IIT जेई में अच्छे रैंक लाओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, इस वीडियो को आप अधिक से अधिक लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। बच्चों ऐसा वीडियो बनाना बहुत हार्ड वर्क की ज़रूरत होती है। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।